गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आप सभी एक दूसरी कक्षा में हो, ठीक है? और अभी हमारा हिंदी का पीरियड है, तो इससे पहले हमने एक मात्रा की पहचान की थी, जो कि हमारा पाठ था 11वां, ठीक है? तो हमने कौन सी मात्रा की पहचान की थी? हमने ओ की मात्रा की पहचान की थी, ठीक है? और मात्रा की पहचान के बाद इसी मात्रा पर निर्धारित हमने एक कहानी भी पढ़ी हुई थी। तो उस कहानी का नाम आपको याद है? हाँ, उस कहानी का नाम है पद्मावती। हाँ, और ये इस कहानी के हमने क्या की थी, अच्छे से पढ़ाई भी की थी, है ना? हाँ, तो बच्चों अभी हमें कुछ अभ्यास करना है आज। तो यदि आपका ये बुक निकालो सर, वेरी गुड। हाँ, तो पन्ना नंबर आप देखो 63। तो इस पेज पर आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा? अभ्यास। क्या दिखाई देगा? अभ्यास। और इस अभ्यास में हमारा पहला सवाल है, बताओ और लिखो। कौन सा सवाल है हमारा पहला? बताओ और लिखो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपके सुंदर हस्ताक्षर में आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। हाँ बच्चों, तो हमारा पहला सवाल है, लड़के का नाम क्या था? लड़की का नाम क्या था? हाँ, लड़के का नाम मनमोजी था। हाँ, इसके बाद दूसरा सवाल है हमारा, जादू कौन दिखा रहा था? बौना जादूगर जादू दिखा रहा था। यहाँ पे कौन शब्द जो है ना, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सवाल का जवाब आएगा, यानी कि कौन, मराठी में उसको कौन बोलते। जादू कौन दिखा रहा था? बौना जादूगर जादू दिखा रहा था, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे दूसरा, इसके बाद हम तीसरा सवाल देखने वाले हैं। जादूगर ने छड़ी घुमाकर क्या क्या निकाला? तो जादूगर के पास एक छड़ी थी और उसने जादू की छड़ी घुमाकर कुछ निकाला था, है ना? जादू की थी, तो क्या क्या निकाला था? हाँ, तो जादूगर ने छड़ी घुमाकर जमीन पर फूल के पौधे उगाए। इसके बाद यहाँ पे आएगा, हाँ, स्वल्प विराम, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉमा। हाँ, उसके बाद टोपी से खरगोश तथा तरह तरह के फल निकाले। और एक बार देखेंगे, क्योंकि यह सवाल का जवाब जो है बहुत बड़ा है ना? हाँ, तो अच्छे से हम फिर से देखेंगे, ठीक है? जादूगर ने छड़ी घुमाकर जमीन पर फूल के पौधे उगाए। टोपी से खरगोश तथा तरह तरह के फूल निकाले, यह सब जादूगर ने किया छड़ी से, ठीक है? छड़ी से जादूगर ने क्या किया? जादू किया, ठीक है बच्चों? समझ में आया सबके? हाँ, उसके बाद हमारा चौथा सवाल है, मनमोजी की मौसी क्या लाई? मनमोजी की मौसी आई और उसको हाथ पकड़कर अपने साथ घर ले गई थी। हाँ, तो उसने मनमोजी के लिए कुछ लाया था, क्या लाया था बताओ बताओ? हाँ, मनमोजी की मौसी कचौड़ी लाई, ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक हमारे चार सवालों के जवाब आपको मालूम हो गए होंगे। तो ये सवालों के जवाब आपको अच्छे से सुंदर हस्ताक्षर में आपके कॉपी पे लिखना है, ठीक है? यहाँ पे लिखने हैं आपको, और पेंसिल से आप हमारे किताब में लिखोगे, ठीक है? उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, ठीक है? तो यहाँ पे तीन शब्द दिए हुए हैं, कौन से देखो, बौना, पौधे और रुमाल। इस तरह से हमें तीन शब्द दिए हुए हैं, और यहाँ पे क्या है, खाली
तो वो आपको पेंसिल से लिखने हैं, ठीक है। ये आपका है होमवर्क। हाँ, इसके बाद देखो चित्र को उसके नाम से मिलाओ। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, लगभग चार चित्र हैं। मेरे साथ गिनती करो, एक दो तीन चार। हाँ, चार चित्र हैं। और यहाँ पे चार क्या है, शब्द है जो बोले भी दिए हुए हैं। तो इनको आपको क्या करना है, मिलान करना है इनका, ठीक है। हाँ, इसके बाद यदि आप पेज टर्न करोगे तो आपको अगला सवाल दिखाई देगा। यहाँ पर भी आपको चित्र देखकर क्या करना है, वाक्य पूरा करना है। यहाँ पे कौन पहरा दे रहा है उसका नाम लिखना है। यहाँ पे सौरभ क्या कर रहा है वो देखकर लिखना है। यहाँ पे मौसी क्या ला रही है डिश में। हाँ, और यहाँ पे तुलसी का पौधा कहाँ पे है। हाँ, ये सब आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है, बहुत आसान है। हाँ, इसके बाद औ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। तो यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उस पर औ की मात्रा नहीं है, ठीक है, तो वो आपको लगानी है। इसके बाद हमारा छठा सवाल है, आपको जादूगर मिल जाए तो आप उससे क्या क्या मांगोगे। छह चीजों पर टिक लगाओ। यानी कि यदि हमारे गांव यदि कोई जादूगर आ गया और आप बच्चों को बोला कि आपको क्या चाहिए, तो आप उससे क्या क्या मांगोगे। हाँ, तो आपको आपको ये चित्र देखकर बताना है। तो पहला चित्र है चॉकलेट का कैडबरी। हाँ, उसके बाद क्या है, बैट। हाँ, उसके बाद है किताब। उसके बाद है क्या है, गुड़िया। हाँ, उसके बाद है आइसक्रीम। उसके बाद है हथौड़ा। उसके बाद 10 रुपए का सिक्का है। उसके बाद है पौधा। उसके बाद है तांका। उसके बाद है ये टोकरी। उसके बाद है टॉवेल तौलिया। हाँ, और उसके बाद है कचौड़ी। तो ये सारे चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दिए हुए हैं, और उसमें से सिर्फ 6 यानी कि 6 हाँ, इसमें से चुनकर आपको 6 चीजों पर सिर्फ टिक लगानी है। आपको सभी चीजें नहीं मिलने वाले। हाँ, इसमें से सिर्फ 6, ठीक है बच्चों। हाँ, और इसके बाद हमारा 7वां सवाल है, चौकीदार को चोर तक पहुंचो। ये जो है ना, ये है चोर और ये है चौकीदार। तो ये चौकीदार है ना, तो उसको ये चौकीदार इस चोर को ढूंढ रहा है। ये पजल है। हाँ, तो इस चौकीदार को चोर से आपको मिलाना है। तो किस तरह से वो किस रास्ते से जाएगा, तो यहाँ पे आपको पेंसिल से दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो आप अच्छे से ये अभ्यास छुड़ाओ, ठीक है। इसके बाद हम और एक काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हमारी मशीन छुड़ाने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान है ना। हाँ, तो इसमें देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 शब्द दिए हैं और इन्हें औ की मात्रा लगाकर आपको इसके सामने अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने हैं, गुड हैंडराइटिंग में। हाँ बच्चों, ठीक है। यदि आप पेज टर्न करोगे तो आपको यहाँ पे 4 चित्र दिखाई देंगे और यह आपको अच्छे से इसका मिलान करना है, इसको चित्रों के नाम से मिलाओ, ठीक है। यही सवाल आपको आपके किताब में भी दिखाई देगा, वो भी अच्छे से आपको छुड़ाना है, ठीक है बच्चों। तो आज हम यही रुकने वाले हैं, इसके आगे की पढ़ाई हम बाद में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पढ़ाई करो, हाँ, घर में रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों।